है, खाने का भी टाइम नहीं है, इतना ध्यान मतलब पूरा फोकस गेम में ही रहता है हमेशा, सुबह से लेकर शाम तक पूरा। काफी बढ़िया मुक्का चलता हुआ एमसी पू इस बार। एक सारे के लिए चैलेंज भरा मुकाबला, बिल्कुल सितारगंज पहला पॉइंट, सितारगंज के पास दिनेशपुर दूसरा सेट चल रहा है ये इस मुकाबले का। सर्विस का तीन नंबर विशाल, काफी लंबा प्लेयर टिपू इस बार सर्विस को उठाते हुए बल्ले पहले डिफेंस पे मैंने इस बार बड़ी ये ज्यादा की ही जरूर। मुकाबला एक बार फिर से बता रहा आकर्षण करता है 2.2 के जो मुकाबला चल रहा है, किस प्रकार से आप बड़े जादों के मुकाबला किस प्रकार से होने वाला है इस बार। बिल्कुल जो सेमीफाइनल है उसी अंदाज में मैच है, दोनों ही टीमें सितारगंज जैसे दिनेशपुर पहले बात में एक पॉइंट आगे से है। ये शॉट पृथ्वी का बहुत अच्छा लगता है कि जब दो दो ब्लॉक तोड़ के जो शॉट करते हैं। बिल्कुल दोनों टीमें बराबर है, दो दो पॉइंट से बराबर चले दोनों टीम जो फाइनल है। जैसे हम दोनों तालमेल से चल रहा है कि आप कभी हमें समझे हो, एक तालमेल है हमारे बीच, तो वैसे ही टीम का तालमेल चल रहा है। आप भी कुछ खाइए, मैं भी कुछ खाता हूँ, चलो चलते हैं। कहते ना कोई कुछ खाए तो खाने का मन कर रहा है, उसी प्रकार जैसे अखिलेश दादा सबके सामने खा रहे हैं। और खाने का मतलब तैयारी करके रखे हैं, अकेले अकेले खा रहे हैं। कभी इधर तो कभी उधर है, फिर एक बार बराबर इस बार का और ये बात बहुत बढ़िया करते हुए जो आशीष आशीष नाम है उनका भी मंजिल गया है। यहाँ पे एक जो बहुत ही बढ़िया खेल अपने टीम को एक पॉइंट से बचाते हुए और बहुत ही अच्छा खेल पॉइंट यहाँ पे ये क्या भाव है। तीन चांस का पूरा फुल इस्तेमाल है बनाना, फिर एक बार और इसी के साथ एक पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पे दिनेशपुर को। नेट काफी बढ़िया डिसीजन यहाँ पे, इसी के साथ 3-4 एक पॉइंट के लेन में है सितारगंज। चार सर्विस का मसाला था दीपू के पास, सर्विस दीपू ने फिर सुदर्शन के पास, सुदर्शन ने फिर एक बार विनित के पास, विनित ने फिर एक बार प्लेयर को दी काफी बढ़िया स्वाद यहाँ पे। बॉल पड़े हैं, मैच का आनंद ले रहे हैं, ऐसा मुकाबला जैसा लग रहा है कि फाइनल मुकाबला चल रहा है यहाँ पे, सेमीफाइनल दूसरा चल रहा है यहाँ पे। विशाल ने बॉल को उठाया रहने के बाद बॉल इस बार बिल्कुल बढ़िया स्वाद दीप को समझ दे पाए बॉल को थर्ड लाइन के पास। इसी के साथ सितारगंज 5-4 जो जोश मैं कहना चाहूंगा जो राहुल 3 नंबर के खिलाड़ी जो सितारगंज के तरफ से खेल रहे हैं फिलहाल, बहुत ही बढ़िया गेम खेलते हैं अपने टीम की तरफ से ढाल बन के, बहुत ही बढ़िया गेम दोनों टीमों के बीच। जिस प्रकार दोनों टीम खेले और हमारे फाइनलिस्ट जो पहला नाम पहुंच चुका है नगरिया, उसके बाद फाइनल तो इसी में ज्यादा रोमांच होने वाला होगा। बिल्कुल उसी दिल थाम के बैठे दोस्तों, जो ये तो मैच सेमीफाइनल फाइनल की जैसी हो ही रहा है, मैदान से धूल उड़ रहा है, मतलब कितने सारे चार एक एक पॉइंट से आगे, वैसा ही कुछ रणनीति दिखाई देगा यहाँ पे, एक एक पॉइंट से बराबर पे। वही है जो खेल का अंदाज है, जो दोनों ही टीम अपना अपना पॉइंट लेके चल रहे हैं, जो लक्ष्य है एक पॉइंट आगे दिनेशपुर। अब मुझे मेरे अकॉर्डिंग जो लगता है कि 6 पॉइंट इनका हो गया, सितारगंज एक पॉइंट अब ले लेगा, फिर एक बार बराबर चलेगा, ये मेरे अकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। जो खेल है कुछ भी हो सकता है, यहाँ से गाड़ी किसकी तेज चलेगी किसकी धीमी वो तो खेल में पता चलेगा। कबूला वाली टीम है जैसे बोलते हैं एक शॉट दिखा रहा है आप जैसे, तो उसमें घी और एक प्लेट डाल दे रहा है, मतलब हम भी कम नहीं है, आप और ज्यादा बना रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल एक शॉट दूसरे भी करते हुए बॉल को आउट जाने दिया आराम से और एक पॉइंट आसानी से अपने टीम को अर्जित करते हुए। टीपू इस बार काफी लंबा ऊंचा बॉल करते हैं, इस बार आशीष के पास बॉल, आशीष ने फिर एक मशरूम फिर आशीष के पास बॉल, अब लीड में दो कदम आगे बढ़ा चुके हैं, क्या एक कदम आगे बढ़ने देंगे या इसी कदम को आगे बढ़ाते रहेंगे वो। सही बिल्कुल
पॉइंट के लीड को पछाड़ता हुआ फिर 5 पॉइंट के लीड में विनर किया, उस सेट को जीता। बिल्कुल, हर खेल में रणनीति एक ऐसी चीज है जो तालमेल बना के रखती है, कहाँ पे क्या कमी है तो उसी में सब कुछ बताया जाता है। लगातार टीम बढ़ा रहे हैं, काफी ज्यादा अनुभव इनके पास खेलने का। इसी के साथ टीम स्कोर 10-6। बहुत ही बढ़िया, दोनों टीमों के बीच जो खेला जा रहा है आज का सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल और चतुराई के साथ एक पॉइंट कुछ टाइम तक इसी पॉइंट के साथ सितारिया 17-7 और 11। बहुत अच्छा गेम दोनों टीमों के बीच, पृथ्वी और 7 सितारगंज। सितारगंज कुछ अब लीड है वो दिनेशपुर के पास है और इस क्षेत्र में क्या जबरदस्त यहाँ पे पर काफी ज्यादा बाहर 12-8 का सर्विस से बिल्कुल 3 नंबर ने 10 नंबर 10 नंबर 4 नंबर 4 नंबर फिर एक बार 3 नंबर के पास 3 नंबर ने फिर एक बार, लेकिन सारे प्लेयर्स आगे बॉल पीछे और इसी का फायदा 9-12। सॉरी वो हो जाएगा टीम वही पे इसको सर्विस सही है, तो कभी कभार बोलते बोलते डिस्टेंस हो जाता है। ये क्या था मतलब बॉल जैसे बॉल ना अजबिन जो क्या एक एक बार आपको टाइम आउट मिल गया है। मैं तो मैच देख नहीं पाया, मतलब क्या होगा, समझ नहीं पाया। सर्विस करने के लिए तैयार है, कुछ अलग ही अंदाज है सर्विस में, जो गोली की रफ्तार से सर्विस करते हैं टीम को, बहुत ही खतरनाक एक ढाल है टीम का। आज इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल है दिनेशपुर वर्सेस सितारगंज, जो पहले सेमीफाइनल बहुत अच्छा राणा की तरफ से खेती होगी लगता है। ये जो प्लेयर है राणा नवा जबरदस्ती खजी बहुत ज्यादा इनका नाम है, काफी बढ़िया प्लेयर है ये आशीष राणा विशाल, इनका नाम गूंजता है। इस बार विशाल तैयार है सर्विस के लिए, बिल्कुल बीचों बीच सुदर्शन के पास, सुदर्शन ने बिरेगा पिटने के पास फिर से जबरदस्त शॉट आशीष के पास, और बार ये जाना की क्या शॉट बड़ा उसको समझ ही नहीं पा। और 12-13 स्कोरबोर्ड लगा हुआ है, वो डिजन होता है आपके साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है, स्कोरबोर्ड तो ही नहीं जाएगा मेरी मुंह जमाने कोई बात नहीं है, आपसे कल एक पॉइंट आगे नीचे हो जाएगा। बारह 13 एक पॉइंट डिस्टेंस में यहाँ पे चतुर ने बॉल को फिर ऊपर आउट किया यहाँ पे, और इसी के साथ एक पॉइंट और मिलता हुआ स्कोर बराबर 13-13। दर्शक जितने भी है दर्शक अब खचाखच भरा हुआ है, तथा उस समय काउंट किया था 9,263 थे, अभी जो काउंट करके आए हैं हमारे जो बोलेंदिया साहब है वो 10,223, मतलब धीरे धीरे दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, 10,223 दर्शक हो चुके हैं हमारे ग्राउंड में। आईसी पॉइंट के साथ 14-13 पांच, फिर एक बार बराबर स्कोर यहाँ पे टीपू सर्विस का समान समाप्त हुई है। इस बार डिफेंस काफी बढ़िया था, लेकिन बस बार बहुत ऐसा लगता है कि सेबी कोई जैसा कुछ चिपक सा गया था, नंबर 10 तक हाथ पे रोक रखा जिसका फाउल करार दिया गया। इसी के साथ टीम का बढ़ता स्कोर सितारगंज 15 दिनेशपुर 14, एक लीड से आगे सितारगंज। बहुत ही अच्छा गेम दोनों टीमों के बीच, जो शॉट गोली की रफ्तार से पॉइंट विशाल, मैं बार बार कह रहा हूँ विशाल के जो शॉट है बहुत ही बढ़िया शॉट है। फिर जब आता है तो पहले जब दिनेशपुर का टीम आगे थे तो उस वक्त एक ढाल अलग थी, अब जब ये सितारगंज लगे मतलब दोनों ही टीम बिल्कुल चार्ज हो चुके यहाँ पे 100%। नाम विशाल तो काम भी कुछ विशाल ही है उनका,
बड़ी चतुराई 15-16 का ये पॉइंट 15-16 का सर्विस। दर्शक के जितने भी आए हैं ये सारे दर्शक सोचे कि ऐसा मुकाबला देखने के लिए सारे मुकाबले मजा आ रहा है। अब अगर आज जितने भी दर्शक घर पर बैठे ये तो चालाकी है जो गेम में इसी चालाकी को गेम इस टाइम दिनेशपुर 17-15 को लीड में आगे। बहुत ही बढ़िया गेम है, पासिंग के साथ बॉल का आउट किया और चतुराई के साथ दोनों जितने दोनों टीमों के खिलाड़ी है बड़ी चतुराई के साथ चौकाने के साथ गेम को खेलते हुए कहा गेम देखना किस टाइम मारना किस टाइम पास करना बहुत ही चतुराई है। आस पास मेकअप कर का आया हो ना धूल से आज उनका मेकअप खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, मेले में मेकअप का सामान भी बहुत है तभी तो बिकेंगे मेरे भाई। काफी बढ़िया देखने वाला एक कॉडी इसी के साथ टीम इसको 18 शॉट उन लोगों को जो मौका ही नहीं दिया इतना बढ़िया शॉट इसी शॉट के साथ एक टीम 18-16 मैच देख रहा हूँ अभी तक यहाँ पे हमारे टूर्नामेंट में सारे मुकाबले में ऐसा ही हुआ है कि एक दूसरे टीम को साथ में लेके चल रहे और लास्ट में ऐसे बचाते हैं कि कुछ नहीं है। लेकिन नहीं अंदाजा गलत इस बार अंदाजा गलत नहीं है। 19-17 राणा जो छोटी गेंद में जो शॉट मारते हैं कोई फील्डर में मौका ही नहीं देते इतनी नहीं आया सोने हमें पाकिस्तान में और दिनेशपुर 18 जो घमासान मैच है शेर और बटर शेर कोई किसी से कम नहीं जिस अंदाज से दोनों टीमें खेल रहे आपस में बहुत ही बढ़िया यहाँ पे विशाल एक ढाल है सितारगंज का जो उनकी एनर्जी है पूरे फील्ड में विशाल रहे मैच में कभी भी कुछ कहा जा सकता है कभी भी कुछ हो सकता है। जैसे कोई क्रिकेट मैच होता है तो एक बॉल में एक विकेट और एक 6 रन तो कभी भी कुछ कहा नहीं जाता क्या आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल एक अनुभव और एक दोनों टीम काफी ज्यादा अनुभव है वैसा ही एक तालमेल के साथ खेल ले 20-18 अभी मैं कहना चाहूँ जतिन ने जो शॉट मारा है विशाल नाम विशाल काम भी विशाल ही है उनका जो पॉइंट एक अर्जित करते हुए यहाँ पे सितारगंज 4 कदम दूर सितारगंज इसमें हम फाइनल में पहुंचने के लिए दिनेशपुर मात्र दिनेशपुर इस टाइम 20 और सितारगंज 21 एक लीड पे आगे सितारगंज धीरे धीरे कदमों से दोनों टीम बढ़ते हुए अपने फाइनल की तरफ एक लक्ष्य जो है इनके सामने तो ब्लॉक तो कामयाब ना इसी के साथ एक पॉइंट और मिलता हुआ 22 पॉइंट सितारगंज। अगर सितारगंज इस सेट को जीतती है दादा तो वो सीधा फाइनल में बिल्कुल अगर दिनेशपुर जीतती तो ये तीसरा सेट भी देखने को मिलेगा बिल्कुल वो भी दूसरा फाइनल होगा दोनों टीमों के बीच। लेकिन जो शॉट है तो मुझे लग रहा है अनुमान है कि हो सकता है शायद बिल्कुल 21-22 जो कदम से कदम दोनों टीम मिला के चल रहे इस टाइम दोनों टीमों के खिलाड़ी पता है कि जो सेमीफाइनल एकदम नजर में जमाए हुए बराबर बिल्कुल दोनों टीम बराबर 3 पॉइंट में है यहाँ से कुछ कहा नहीं जा सकता 3 कदम चलना पड़ेगा किसी भी टीम में और बिल्कुल छजे थे वो यहाँ पे एक लीड से आगे दिनेशपुर 23 सितारगंज 22 बहुत ही बढ़िया बड़े मुकाबला है। अब ऐसा मुकाबला हो गया है कि अगर नंगे पाव चलोगे तो कांटा कभी भी चुभ सकता है तो एक भी गलती अगर हो गया तो वही जो उसका खामियाजा दूसरे टीम को बोलो बढ़िया मिलेगा यहाँ पे दिनेशपुर का एक लास्ट इस मुकाबले में बिल्कुल जिस तरह से सितारगंज खेल रहा था ऐसा लग रहा था सितारगंज आसानी से पहुंच जाएगी फाइनल में। लेकिन जिस मोड़ में है इस टाइम खेल कुछ कहा नहीं जा सकता जिस तरह से मोड़ लाई है दिनेशपुर की टीम और इसी साथ एक करोड़ मिलता है 19 दादा ये गेम आप देखिए कितना रोमांच गाते हैं कलर झटकते ही कैसे क्या है यार किसी को पता नहीं। 2 पॉइंट सितारगंज को चाहिए और 1 पॉइंट दिनेशपुर को कुछ कहा नहीं जा सकता दोनों टीमों के बीच बहुत ही बढ़िया मैच इसी के साथ 124 लगातार 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे टीमों को।
सुधारगंज नगर का सीधा है, दो पॉइंट लगातार लेने पड़ते हैं, लास्ट लास्ट है तो दो पॉइंट लगातार लेना पड़ेगा, बिल्कुल पाएंगे तो ये गेम अब्बा है, रोमांच बन चुका है। दोनों टीम जिस अंदाज में यहाँ पे खेल चल रहा है, गलती इसी के साथ 25 एक पॉइंट अभी लेना पड़ेगा। जाने जाते हैं इस गेम में, वो अपना दादा अब तक का सबसे बढ़िया मुकाबला, 26 पॉइंट पे मुकाबला खत्म होगा। आप देख रहे हो कितना बढ़िया मुकाबला यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल 34 में मतलब दोनों टीम घमासान। अगर यहाँ से एक गलती करने में, कराने में या करने में, कुछ भी करने में, तो मेरे पूरे तीसरा सेट देखने को मिलेगा यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से आसानी के साथ। अगर जिसने दर्शन नहीं